उसका नाम है बाघ कोहली, बाघ की वजह से इस तरफ भी है उस तरफ भी है दोनों तरफ है ये। उसके बाद 11:50 में सिलगुड़ी जाएगा और उसके बाद 12:35 सिलगुड़ी, अच्छा उसके बाद 1:15 में फिर सिलगुड़ी। शौचालय मंदिर से निकलते हुए आ रहा है तीसरा रेलवे ब्रिज रेल गेट, वो सामने रहा सेवक स्टेशन। भाई साहब ओ अमित जगह ड्राइविंग के बारे में क्या कहना भाई, कोई जवाब नहीं है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवलिंग टुडे, आपके साथ मैं हूं अनिर्बान। और आज हम जा रहे हैं कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी, यानी यहां से कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है करीब करीब 70 किलोमीटर। और हम आज जा रहे हैं NBSTC बस में, यह बस खोलने का टाइम है सुबह का 11:50 पर, और देखते हैं कितने बजे तक हम सिलीगुड़ी पहुँच पाते हैं। मैं तो कॉन्ट्रैक्टर जी से पूछा हूँ कि कितने बजे तक पहुँच सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जी ने बोला है कि 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से सिलीगुड़ी। सो वही हम आज देखेंगे और आपके साथ हम शेयर भी करेंगे इस ब्यूटीफुल एंड थ्रिलिंग जर्नी को फ्रॉम कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी। सो चलिए और एक एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग बस जर्नी आपके लिए, आप सभी के लिए। सो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अभी। और अगर आपका आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा आपका, कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी बाई NBSTC। चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और एकदम इस बस के पीछे है NBSTC का काउंटर, ये वाला है काउंटर। बट इस बस में टिकट आपको बस में ही मिलेगा, नेचुरली हर एक बस में आपका, अगर गैंगटॉक हो, दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, डेलो हो, जहाँ पर भी जाइए आपको टिकट बस में होता है, आपको काउंटर से टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस में कंडक्टर सर आएगा और टिकट आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी का फेयर है 111 ओनली, यानी 111 यहाँ से फेयर है कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी का फेयर 111 रुपया। सो ये रहा हमारा सीट, एकदम फ्रंट सीट वाला। और अभी तक तो ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं है मेरे ख्याल से, बस तो फुल हो जाएगा अभी 10 मिनट बाकी है इस बस को खोलने के लिए। यहाँ पर सो अभी हमारे साथ है यहाँ का जो डिपो इंचार्ज सर, मिस्टर आपका नाम बता दीजिए सर। सुरेंद्र कुमार दरनाल। ओके सर, आप यहाँ से NBSTC का यहाँ से जो सिलीगुड़ी का जो सर्विस है उसके बारे में हमारा व्यूअर्स के लिए कुछ बोल सकते हैं सर, उसके टाइमिंग के बारे में सर। हम लोग का यहाँ से इस्लामपुर के लिए एक तो है सिलगुड़ी होके जाएगा और वो 6:15 साल में, अच्छा और उसके बाद
11:50 में सब गाड़ी का सिलगढ़ी को मात्र भन्दै छौ हम लोग का यहाँ से जयगांव भी सर्विस है एक तो वो 8:40 में कालिम्पोंग से जयगांव जाएगा एनबीएसटीसी का और उसके बाद 11:50 में सिलगुड़ी जाएगा और उसके बाद 12:35 सिलगुड़ी अच्छा उसके बाद 1:15 में फिर सिलगुड़ी अच्छा तो चार हो गया चार और 1:30 बजे यहाँ से पेडोंग जाएगा पेडोंग लोकल रूट ओके और 3 बजे कालिम्पोंग से सिलगुड़ी यही इतना ही 3 बजे लास्ट है सर 3 बजे साढ़े आठ तीस में पेडोंग कालिम्पोंग से पेडोंग मॉर्निंग में हाँ सर बोला है पेडोंग के लिए बोल दिया आपने अच्छा अच्छा और यहाँ से फेयर कितना है सिलगुड़ी का सिलगुड़ी 111 रुपये ओके और जयगांव के लिए जयगांव 180 रुपये कितना समय लगता है सर यहाँ से जयगांव जयगांव 8:40 में छोड़ के 2 बजे तक पहुँच 2 बजे और पेडोंग यहाँ से 8:30 में एक टू छोड़ के और 10 बजे के अंदर ठीक है सर मैंने भी थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर थैंक यू वेरी ओके थैंक यू सर थैंक यू तो अभी टाइम हो रहा है हमारा ड्राइवर साहब आ चुके हैं अभी बस में दादा आपका नाम बता दीजिए अमित रॉय अमित रॉय ओके ठीक है गार्ड भाई साहब सामने का कंडीशन देखिए लेग पीस तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें और ये भी टूटा हुआ है ये ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए इधर भी टूटा हुआ है ये भी टूटा हुआ है मेट्रेस नहीं होता है क्या होता है एक मस्टर भी है शायद पूरा फुल हो गया हाँ पूरा फुल हो गया बस सीटिंग पूरा फुल है ओके So now I am starting yet another thrilling bus journey from Kalimpong to Siliguri. Let's start the journey. और यहाँ पर दोनों तरफ सर टैक्सी स्टैंड आप यहाँ से भी डिफरेंट प्लेस में भी जा सकते हैं जैसे आलगढ़ जा रहा है यहाँ से पेडोंग जा रहा है ये आलगढ़ जा रहा है ये पेडोंग जा रहा है इधर से भी जा रहा है और यहाँ से सिलीगुड़ी का भी सर्विस है और ये रहा लोकल टैक्सी ये सब है लोकल टैक्सी और यहाँ पर जाम लग गया अभी और बस तो पूरा भर चुका है अभी पूरा सीट पूरा फुल है Thank you.
लेफ्ट साइड में ये सब है लोकल टैक्सी, यहाँ से आप नियर बाई प्लेस जा सकते हैं इस टैक्सी में, लोकल टैक्सी में। लाइन लगा इधर एटीएम काउंटर पे। वो सामने है कालिम्पोंग पुलिस स्टेशन, एकदम इन फ्रंट ऑफ मी। हमारा राइट साइड में रहा बंधन बैंक, मंडपुरम गोल्ड लोन का ब्रांचेस। अभी हम पहुंच चुके हैं 9th mile, यह है बस स्टॉप।
सिलीगुड़ी है 64 किलोमीटर और तीसरा है 32 किलोमीटर। चल चल चल, बस पूरा खचाखच भरा हुआ है एकदम, पूरा भरा हुआ है बस। समझ जाते हैं गाँव सरकारी
हेयर पिन बैंड रही है, बहुत ही खतरनाक हेयर पिन बैंड रही है। जाने का टाइम में तो स्टीपनेस बहुत ही ज़्यादा है इस रोड पर।
तो अभी हम लोग स्ट्रेट हाईवे 12 छोड़ के NH 10 पे अभी आ गए हैं, अभी जस्ट पीछे रहा, और ये रोड जा रहा है सीधा स्टेट जा रहा है गैंगटॉक NH 10, और दिस इज NH 10, नाउ वी आर इन NH 10 नेशनल हाईवे 10, और ऐसे इज 12, यानी यहाँ का जो डाइवर्ट होता है टूअर्ड कालिंगपोंग वो अभी हम छोड़ दिया। टनल और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं तीस्ता ब्रिज पर, नंगर क्रॉसिंग तीस्ता ब्रिज। जबरदस्त चला ड्रा दादा एकदम, बैठा हुआ जा रहा है अभी तक का रोड कंडीशन के बारे में बात करें तो बीच बीच में रोड बहुत ही ख़राब है, जस्ट में वो बैड ट्रस्ट था सामने जो अभी हम लोग क्रॉस कर गया है, पता नहीं सामने बैड ट्रस्ट मिलेगा कि नहीं, बट कितना अच्छा ड्राइव कर रही है ड्राइवर दादा, बहुत ही एक्सपर्ट हैंडेड इसका, एकदम औसम ड्राइविंग हो रहा है कालिंपोंग टू सिलीगुड़ी, और बस में बहुत मज़ा भी आ रहा है इसमें। Oh, yeah.
बसाने से रोक दीजिए हाँ ठीक है वो चाबी देना है घर का चाबी दे जाएगा कोई पसंजय चाबी देने गया है घर का ये वाला ये रहा ओके गजब का है भाई गजब का ड्राइविंग हो रहा है आज भाई साहब आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताइए कैसा लग रहा है ये जर्नी बाल जर्नी एमबीएसटी से का जर्नी तीसरा डैम प्रोजेक्ट और ये सब बन रहे टनल तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामभी बाजार ये है रामभी भाई साहब रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है भाई साहब बहुत ही ख़राब है देखो टनल बन रहा है टनल के वजह से एकदम रोड कंडीशन बिल्कुल ही सही नहीं है बीच बीच में बहुत ही बड़ा बड़ा गड्ढा है एकदम छोटा सा बस्ती है वहाँ पर नीचे सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है यहाँ से 40 किलोमीटर यानी करीब करीब एक घंटे के आसपास समय लगेगा अभी और अभी टाइम हो रहा है 1:05 हम लोग चले थे 12:05 तो अभी भी करीब करीब एक घंटे का जर्नी बाकी है तो मेरे ख्याल से अभी रास्ता थोड़ा सा सही लग रहा है अभी देखते हैं आगे खराब पैच मिलता है कि नहीं मिलता है
ডিউটি কোথায় আছে নেক্সট কোথায় ডিউটি আছে কলকাতা করে বেশি কলকাতা করে রকেট করে রকেট কালকে ডাউন হলো আমি কলকাতা আরে আমার মতো ড্রাইভার তো চাই রকেটে রকেটে কাম পে পুরো গাড়ি আইবে মানে লং ড্রাইভে মজা পাওয়া যায় এরকম ড্রাইভার হলো তিন মাস চার মাসে একবার যায় কালিম্পং আজকে চার পাঁচ মাস পরে আসলাম ও রাত্রি ওটা কি এনবিসিসি সার্ভিস আছে তাই ডেলি সাড়ে এগারোটা চল কখন সকাল কখন পৌঁছে রাখি ওটা কটার দিন সকালে আটটায় ও এখন তো ডালগোলা তো জ্যাম হয় না তো ডালগোলা বাইপাস তো হয়ে গেছে মাটিকে ঢুকে দিলে হয়ে যায় তাই না হ্যাঁ তবুও গাড়ি যাচ্ছে নর্মাল গাড়িগুলো যাচ্ছে যাওয়া যায় হ্যাঁ কালকে কোথায় ছিল ডিউটি কালকে কালকে কলকাতা ডাউন হলো কালকে ও আমি তো আজকে ফিরবো ड्राइविंग के बारे में क्या कहना भाई कोई जवाब नहीं है आप भी कमेंट करके बताओ ये ड्राइविंग कैसा लग रहा है आपको जबरदस्त लग रहा है जबरदस्त सिलीगुड़ी यहाँ से 32 किलोमीटर सिलीगुड़ी यहाँ से ये भी चला गया उधर क्या हो रहा है दो दो गाड़ी उधर चला गया आज पहुंचने वाले कॉरोनेशन ब्रिज यानी बागपुल लेफ्ट साइड में आएगा वो
पर चेकिंग हो रहा है। तो ये रहा प्रमोशन ब्रिज यानी बात को जा रहा है सीधा असम जा रहा है सीधा गुवाहाटी और इसीलिए इसका नाम है बाघ को, ये बाघ की वजह से इस तरफ भी है उस तरफ भी है दोनों तरफ है ये। तो इसके वजह से दिस इज द मेन रीज़न व्हाई इट इज कॉल्ड बाघ को, इसी की वजह से इसका नाम है बाघ को। अभी टाइम हो रहा है 1:35 1:35 में हम लोग पहुँच गए करोनेशन ब्रिज पर। तो और ये रहा तीसरा, वो सीधा जा रहा है तो उसके सीधा सामने आ रहा है सेवक काली बड़ी। काली बड़ी और उसके ऊपर में मंदिर है, फेमस मंदिर सबसे मंदिर से निकल हुए आ रहा है, पूजा लेकर आ रहे हैं अभी। उसके ऊपर भी जा सकते हैं आप यहाँ से सीधा ऊपर। रेलवे ब्रिज उसके ऊपर में बना हुआ है, सेवक रेलवे वो सामने रहा सेवक स्टेशन, इसे सेवक रेलवे स्टेशन। अभी टाइम आ रहा है एग्जैक्टली 1:40 यानी 1:45 हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सेवक रेल गेट। क्या एग्रेसिव ड्राइविंग भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त ड्राइव किया अमित दा ने। ड्राइविंग कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए हमको, कितना जबरदस्त ड्राइविंग है ये। अभी तक 2 घंटे नहीं हुए, हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचने वाला है, अभी 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी।
by 70 km within 2 hours. And hats off to this driver, Amit Da. Oh, what a driving. First time hill mein aisa driving dekhne ko mila. Bahut din baad humko mila Amit Da ko. ओनली 10 किलोमीटर रह गया अभी सिलीगुड़ी, और अभी तक 2 घंटे भी नहीं हुआ, अभी भी 5 मिनट बाकी है 2 घंटे में। दादा बहुत अच्छा ड्राइव किया आपने एकदम। अरे भाड़ा कौन इसमें गया? हाँ टिकट देगा, 30 रुपया में गया, टिकट देगा ना, वो तो टिकट नहीं दिया, दिखा दो कॉपी मत दो क्या, अरे कॉपी पर, अरे जेटा भाड़ा, जेटा कौन हो तुम्हें, अरे बोलो भाड़ा, तो भाड़ा कौन बिल दिया, दिया कि नहीं दिया, बिल नहीं है, अरे बाबा कांग्रेस के बेटे ना भी उठा दो, चलो 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 My name is Lukesh. Okay, आप कहाँ रहते हैं? कलिंगपुर में रहते हैं? कलिंगपुर में। इस पक्ष में लड़ाई हो रहा है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत लड़ाई होता है। वही तो यूपी तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। तो भाई अभी टाइम है दोपहर का 2:15 और हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी। तो बस अभी यहाँ पर पूरा खाली हो रहा है। हो जाए चलो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली 2:15 और हम अभी पहुंच चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन यानी सिलीगुड़ी पर हम पहुंच चुके हैं, और यह रहा हमारा बस और आज का जर्नी कलिंगपोंग टू सिलीगुड़ी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, आपका कमेंट का हमारा इंतजार रहेगा। और यह है डिपो सिलीगुड़ी, अभी तो 2:15 हो रहा है बट ऐसा टाइम नहीं लगा हमको, हमको यहाँ पर पहुँचने में हमको टाइम लगा है 1 घंटा 55 मिनट में हम पहुँच गए कलिंगपोंग टू सिलीगुड़ी। बहुत ही अमेजिंग ड्राइव किया अमित दा ने, बहुत ही अमेजिंग ड्राइव किया, बहुत दिन बाद ऐसा ड्राइविंग देखने को मिला, ऐसा एग्रेसिव ड्राइविंग देखने को मिला है स्पेशली हिल रीजन में। तो कैसा लगा ब्लॉग आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस महीने बैक टू बैक बस जर्नीज आपके लिए हम लेकर आएंगे, दिस इज़ माई प्रॉमिस। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देम टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। सो टाटा बाय बाय। ये रहा डिपो, ये रहा बस।